क्या समस्या है भाई साहब आपकी, आज आप दतिया का रिलेटेड आए हुए हैं? हमारी समस्या भैया ज़मीन को लेकर के है। हमारी डगरी मौजे में स्थित सर्वे क्रमांक 10 है ज़मीन, जो कि हमारे पूर्वजों से वो ज़मीन है, और 2013 में हमने उस ज़मीन के SRR द्वारा नप्ती भी करवाई थी। वो नप्ती करवाने के बाद में SRR ने अपनी जो है सीमांकन करके उनने मुड्ढी लगा दी थी। तब से हम लोग खेती बाड़ी करते चले आ रहे थे। आज दो एक डेढ़ महीने से हमारा काम चल रहा है वहाँ पे बाउंड्री का, तो अभी 10-15 दिन हो गए। उसके 10-15 दिन से ये राउतपुरा कॉलेज वाले अग्रवाल हैं, और कुछ लोग हैं उनके जो अधिस्थ होते हैं, जैसे CEO है, मैनेजर हैं, तो वो लोग आके बार बार परेशान करते हैं और बोलते हैं कि आप बाउंड्री यहाँ पे मत बनाओ, ये ज़मीन हमारी है। जबकि वो पिछले 50 साल से हम लोग जोतते चले आ रहे हैं, और हमारे पिताजी के नाम पे थी। उसके बाद में पिताजी ख़त्म हुए, 2013 में हमारे नाम पे आई, हमने उस ज़मीन की SRR द्वारा नप्ती की है और उसकी मुड्ढी गड़ी है बाकायदा। तो ये लोग क्या है कि ये लोग बाहुबली लोग हैं, ये लोग भूमाफिया लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो ये लोग ज़बरदस्ती हमारी ज़मीनों को छीनना चाहते हैं। हम लोग जो है मोघिया परिवार से हैं यहाँ पे, जो कि आदिवासी की श्रेणी में आता है, और 2-3 बार हम लोगों ने इसका आवेदन जो है ये डगरई थाना पड़ता है चुरुला, तो चुरुला में भी मैंने इसका आवेदन लगाया है, और उसी सिलसिले में आज हम DM साहब से मिलने के लिए आए हैं। वो DM साहब को इसका पूरा आवेदन दिया है और उनको मौका भी बताया है। वो DM साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी ज़मीन पर कोई भी कितना ही बड़ा क्यों आदमी ना रहे, वो काबिज नहीं हो पाएगा। हम लोग यही चाहते हैं सर कि जो बड़े लोग हैं, वो बड़े लोगों द्वारा जो हम लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं यहाँ पे मोघिया समाज पे, और ज़बरदस्ती जो ज़मीनें छीनी जा रही हैं हम लोगों की, वो हम लोगों को जो है हम लोगों को सहायता मिले, और अधिकारी लोग हम लोगों का सपोर्ट करें, और जो लोग गलत कर रहे हैं वो उनको दंडित किया जाए, उनको प्रताड़ित किया जाए, उनको सज़ा मिले। जैसे जो आपकी ज़मीन है, तो उसके आपके पास सारे कागज़ वगैरह जो भी होते हैं आपके पास मौजूद होंगे? जी, सभी कागज़ हैं सर मेरे पास। उसका खसरा है, पावती है, रजिस्ट्री है, और जो 2013 में SRR मतलब कलेक्टर की नाप, तो जो कलेक्टर की नप्ती हैं वो भी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके मैंने DM साहब को, तहसीलदार साहब को दिए हैं। आपने जो डॉक्यूमेंट तहसीलदार और DM साहब को दिए हैं, तो उनका क्या कहना है डॉक्यूमेंट आपके देखने के बाद? डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में वो यही कह रहे थे कि आपके डॉक्यूमेंट्स तो सब ठीक हैं, फिर अगला आदमी कैसे मना कर रहा है, तो इसकी जो है मौका पे आके इसकी छानबीन करेंगे, ये उनका कहना है। जैसे कि अभी आपने दीवार उठाई है, तो मतलब उठ चुकी है या उठने के बाद तोड़ी गई, या मतलब कुछ भी हुआ हो, वो 80% अपनी बाउंड्री बन चुकी है, मगर उन लोगों ने क्या है ज़बरदस्ती अभी अपना काम रुकवा रखा है, और वो लोग बार बार यही कहते हैं कि आप लोग काम करोगे तो आप लोगों को मारा जाएगा, तोड़ा जाएगा, परेशान किया जाएगा। ज़बरदस्ती वो लोग जो है मेरी ज़मीन पे आकर के कब्जा करना चाहते हैं। आपने मतलब कई जगह डॉक्यूमेंट भी पेश किए हैं अपने, मतलब दर्शा दिया अधिकारियों को कि यह ज़मीन हमारी है, फिर भी मतलब आपका अभी तक जो निर्माण कार्य है ये रोका क्यों है, मतलब क्यों उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? अब उनके पास में क्या है सर कि वो धनबल है, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग आदिवासी समाज से आते हैं, अब हम लोग तो सभी जगह जा कर के अपनी गुहार लगा सकते हैं, और ये सारे उसको डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी SDM साहब तहसीलदार साहब के पास में ये दिए हैं, उन्हें मारक करके कि जा कर के लगाएं आप, और ये इसकी जो SRR की जो नप्ती हुई थी ये उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं सर, ये तो SRR द्वारा नप्ती के ये कागज़ हैं पूरे, ये जो SRR की नप्ती हुई है उसके कागज़ हैं, और ये मेरा खसरा है, और ये मेरी पावती की फोटोकॉपी है। फिर भी आपका काम रुका हुआ है, अगर इसका क्या कारण? रुका जा रहा है सर, आज कम से कम 7-8 दिन से मेरा काम बंद है, आज 7-8 दिन हो गए, और 7-8 दिन से मेरा काम बंद है, और उसमें खेत में मेरे जो है उसकी बोवनी, मैंने चिली की बोवनी कर रखी है, और बोवनी बड़ी बड़ी हो गई, मेरी फसल निकल आई है, वो गैया वगैरह जो भी चीज़ें जानवर हैं वो आते हैं और वो नष्ट कर रहे हैं उसको, मतलब जो है मेरा जो मेरा नुकसान हुआ है उसका हर्जाना कौन भरेगा? हाँ, तो मतलब ये है कि जो आपका खेत है उसके आप चारों तरफ बाउंड्री नहीं हो रही, तो आपके खेत की मतलब रखवाली नहीं हो पा रही, जानवर घुस रहे हैं। जी, इसीलिए मैं जो है मैं अपनी बाउंड्री कर रहा था ताकि मेरी फसल की जो है उसकी सुरक्षित हो सके।